वल इसमें कोई शक नहीं है कि 12 साल की हो चुकी आराध्या बच्चन बच्चन परिवार की प्रिंसेस है, लेकिन प्रिंसेस आराध्या को वाकई में प्रिंसेस की तरह ऐश्वर्या और अभिषेक कैसे रखते हैं, इसकी कई एग्जांपल्स हमने आपको अपने पिछले कई रिपोर्ट्स के माध्यम से बताए हैं। आराध्या की परवरिश में सबसे बड़ा योगदान उनकी माँ ऐश्वर्या राय बच्चन का है। मिस वर्ल्ड होने के बावजूद, बच्चन परिवार की बहू होने के बावजूद, लग्जरियस लाइफ मिलने के बावजूद, ऐशो आराम और इतने नौकर स्टाफ होने के बावजूद, ऐश्वर्या ने कभी भी अपनी बेटी की परवरिश के लिए किसी स्टाफ सर्वेंट का सहारा नहीं लिया। अपनी बेटी की स्कूलिंग से लेकर डाइट का ख्याल रखने से लेकर उनके एजुकेशन, उनके खान पान और पहनावे का ध्यान हमेशा ऐश्वर्या ने खुद ही रखा। इसीलिए नाज करती हैं जया बच्चन अपनी बहू ऐश्वर्या पर। खैर, आज हमारे इस शो में हम बात करने वाले हैं ख़ास तौर पर आराध्या की परवरिश अगर ऐश्वर्या ने की तो किस तरह उस परवरिश की तारीफ हो रही है इस पर। जी हाँ, ऐश्वर्या ने अपनी बेटी को बच्चन परिवार के कल्चर ट्रेडिशन से वाकिफ कराया। ऐश्वर्या ने अपनी बेटी को वही परिधान पहनाए जो परिधान बच्चन परिवार में उनकी सास जया बच्चन के पसंदीदा रहे। जी हाँ, इंडियन कल्चर को फॉलो कर मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या ने इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन को ऑल ओवर वर्ल्ड प्रेजेंट करने के लिए मिस वर्ल्ड बनने के बाद, एक माँ बनने के बाद भी वही काम किया। जी हाँ, सोशल वर्क से ऐश्वर्या ने आराध्या को जोड़ा और उनके संस्कार में और भी खूबियाँ डालने के लिए ऐश्वर्या ने उन्हें हमेशा हर फंक्शन और इवेंट में लोगों का सम्मान करना, लोगों से सम्मान भरे अंदाज में बात करना और बड़े छोटों का आदर करना सिखाया। शाहरुख के बेटे अब्राम पर जिस तरह प्यार लुटाती भी एक बार आराध्या को देखा गया था, जिस तरह आराध्या अपने नानू के जीते जी उनके पैरों को छूकर उनके आशीर्वाद लेती हुई, अपनी नानी के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर उनसे मिलती नजर आई, भगवान के सामने माथा टेक कर और पूजन समारोह में हाथ जोड़कर हर चीज में सम्मिलित होना, एक्टिव रहना, ये सारी चीज़ें ऐश्वर्या ने आराध्या को सिखाया। हमारे देश के भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार भारत के जो कल्चर है उसको सिखाने के लिए ऐश्वर्या ने आराध्या से किसी की मदद नहीं ली। जया बच्चन को हमेशा अपने घर की बेटियों को बहुत ही ज़्यादा शालीन और बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड बनाने का शौक रहा और इसलिए जया की खुशियों का भी ख्याल रखती हुई ऐश्वर्या ने अपनी बेटी को शार्प माइंड, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और एजुकेशन में एक्सलेंट बनाने के लिए उसका ख़ास ख्याल रखा। फिल्मी सफ़र से दूर हटकर बेटी की परवरिश में सबसे ज़्यादा ध्यान रखा। आराध्या इसीलिए जब अपने दादू के साथ होती हैं या दादी के साथ होती हैं या नानी के साथ होती हैं या फिर अपने कज़न्स के साथ होती हैं तो उनके साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से पेश आती है, बहुत काम और कंपोज्ड है आराध्या बच्चन। तो आइए इससे जुड़ी कुछ और भी आपको जानकारियाँ हमारे खास रिपोर्ट के माध्यम से देते हैं, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। वल, जैसा कि आप तस्वीर देख सकते हैं, अपने नानू और नाना से मिलने पर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने वाली आराध्या बच्चन जब भी किसी बड़े इवेंट या फंक्शन में होती हैं तो वहाँ अपनी माँ की तरह, ऐश्वर्या राय बच्चन की तरह आराध्या को खासकर खूबसूरत इंडियन परिधान में इंडियन कल्चर के साथ देखा जाता है। ट्रेडिशनल ड्रेस में खुद को बेहद शानदार तरीके से कैरी करते हुए अंबानी फैमिली के कई इवेंट फंक्शन में जब ऐश्वर्या ने सूट कैरी किया तो आराध्या भी अपनी माँ की तरह सूट सलवार में बहुत ही अच्छे तरीके से दुपट्टा कैरी करती हुई मुस्कुराकर मीडिया के सामने बहुत ही नज़ाकत के साथ पेश आई। 12 साल की उम्र में आराध्या बच्चन का इस तरह से नज़ाकत के साथ पेश आना लोगों को काफ़ी रास आया। उनकी मुस्कान ये बताती है कि वो वाकई में अपनी माँ आराध्या बच्चन से काफ़ी सीख लेती आई हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, आराध्या अपनी बूढ़ी दादी और नानी यानी कि वृंदा राय का भी ख्याल रखती हैं। माँ
के साथ उन्होंने अपनी नानी का ख्याल रखने के लिए, उनका साथ देने के लिए उनके साथ जाने का फैसला लिया था। वहीं एक बार जब अमिताभ बच्चन काफ़ी बीमार पड़ गए थे, अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में थे, कोविड से जूझ रहे थे, तब अमिताभ बच्चन का ख्याल रखने के लिए आराध्या बच्चन वहाँ उनका उनको संभालते हुए उनके आंसू पोंछती हुई नजर आई। वहीं अपनी माँ को इमोशनल होता हुआ देखकर आराध्या बच्चन ने किस तरह से अपनी माँ को गले लगाकर उनके लिए स्पीच डिलीवर कर कई बार उनके आंसू भी सोशल इवेंट के दौरान पोंछे हैं। इतना ही नहीं, अपनी नानी माँ का हाथ पकड़कर किस तरह अपनी नानी माँ पर प्यार लुटाती हैं आराध्या, इससे जुड़ी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो वहीं जब भी कोई इवेंट फंक्शन घर पर होता है तो आराध्या बच्चन खास तौर पर अपने परिवार के साथ बहुत ही सलीके से पेश आती है, स्वागत करना भी जानती हैं आराध्या इस छोटी सी उम्र में मेहमानों का। ममता बनर्जी के साथ जब नज़र आई थी पूरी की पूरी बच्चन फैमिली, तो इस मौके पर आराध्या बच्चन ने भी ममता बनर्जी का खास ख्याल रखा था, स्वागत किया था। वहीं पूजा पाठ में अपने दादा और दादू मम्मी पापा के साथ आराध्या भी सम्मिलित होती हैं, इसलिए श्वेता जया सभी आराध्या की तारीफ करने से पीछे नहीं हटते। इतना ही नहीं, आपको बता दें अपने पिता के साथ आराध्या बच्चन जब किसी कार्यक्रम में जाती हैं तो वो खासकर इस तरह के परिधान में नज़र आती हैं जो बहुत खास होता है, इंडियन कल्चर को प्रमोट करती हैं। जी हाँ, सरोद मास्टर उस्ताद अमजद अली खान के परफॉर्मेंस के लिए पहुंची थी जब आराध्या बच्चन, तब उन्होंने अपनी माँ की तरह ही ड्रेस कैरी किए थे। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों में जब आराध्या बच्चन दिखाई देती हैं तो आराध्या बच्चन दुर्गा, होली, दीपावली जैसे त्योहारों में खास कर अपनी माँ की तरह इंडियन कल्चर को प्रमोट करती हैं और पूजा समारोह में भी इंटरेस्ट काफ़ी रखती हैं आराध्या बच्चन। उन्हें बहुत ही ज़्यादा फर्श पर बैठकर आराम से माँ के साथ प्रार्थना करने में बहुत दिलचस्पी है। छोटी सी उम्र से ही आराध्या सूट सलवार में पूजा परंपराओं रीति रिवाजों में हमेशा सम्मिलित नज़र आती हैं और उनका ख्याल करती नज़र आई हैं, जो कि खासकर बच्चन परिवार ने उन्हें सीख दिया है। ये देखकर कई बार अमिताभ और कभी ऐश्वर्या भी भावुक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस शो में हमने आपको बताया छोटी सी परी आराध्या जो 12 साल की हो गई है, स्कूल में परफॉर्मेंस के दौरान विरल रोल में एक्टिंग का जलवा दिखा चुकी आराध्या अपनी मॉम ऐश्वर्या की तरह ही बॉलीवुड में नाम कमाएंगी या फिर एजुकेशन फील्ड में महारत हासिल करेंगी। बच्चन परिवार के बड़े दिग्गजों ने जिस तरह से काम किया ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आज के शो में इतना ही। तमाम ऐसी ही फिल्मी दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए, बच्चन परिवार के स्टार्स और स्टार किड्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।